यदि देश की सुरक्षा यही होती है कि बिना जमीर होना जिंदगी के लिए शर्त बन जाए, आंख की पुतली में हाँ के सिवाय कोई भी शब्द अश्लील हो और मन बदकार पलों के सामने दंडवत झुका रहे, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। हम तो देश को समझे थे घर जैसी पवित्र चीज जिसमें उमस नहीं होती। आदमी बरसते मेह की गूंज की तरह गलियों में बहता है, गेहूं की बालियों की तरह खेतों में झूमता है और आसमान की विशालता को अर्थ देता है। लेकिन गर देश आत्मा की बेगार का कोई कारखाना है, गर देश उल्लू बनने की प्रयोगशाला है, तो हमें उससे खतरा है। गर देश का अमन ऐसा होता है कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह टूटता रहे अस्तित्व हमारा, और तनख्वाहों के मुंह पर थूकती रहे कीमतों की बेशर्म हंसी, कि अपने रक्त में नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो, तो हमें अमन से खतरा है। गर देश की सुरक्षा ऐसी होती है कि हर हड़ताल को कुचलकर अमन को रंग चढ़ेगा, कि वीरता बस सरहदों पर मरकर परवान चढ़ेगी, कला का फूल बस राजा की खिड़की में ही खिलेगा, अक्ल हुक्म के कुएं पर रहट की तरह धरती सींचेगी, मेहनत राजमहलों के दर पर बुहारी ही बनेगी, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है।